दोस्तों, वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अगर अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त अगर पराया हो तो अपने भी पराये हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जिंदगी का कड़वा सच अगले 24 घंटे में सबके सामने आएगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या असर देखने को मिलेगा, और क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी है और किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले माता रानी के सारे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके समस्त बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगले 24 घंटे में ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने से आपको सुकून और राहत मिलेगी। कुछ समय बच्चों तथा परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करने से कई समस्याओं का समाधान निकलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय खुद को अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्त रखें, दूसरों को अपने मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करने दें, साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी से वादा करें और आपको तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह 24 घंटे, देखिए आपको बताना चाहेंगे, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं। इससे आपको कोई भी निर्णय लेने तथा अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी। हालांकि आपके सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियां संपन्न होती जाएंगी। वहीं दोस्तों, कोई भी कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न ना होने की वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन रह सकती है। वर्तमान समय में बहुत ही शांति और धैर्य से समय व्यतीत करने का है। आपसी सहयोग बनाए रखें तथा घबराने के बजाय हल ढूंढने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और कई समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय सभी गतिविधियां व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से करने में कामयाब रहेंगे। समाज तथा परिवार में आपके किसी विशेष कार्य की सराहना होगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे तथा आपको पढ़ाई का पूरा पूरा सफलता और पूरा परिणाम मिलेगा। प्रैक्टिकल बने रहें तथा ध्यान रखिए कि अत्यधिक भावुकता की नुकसानदायक हो सकता है। अगर कोई घर में निर्माण संबंधित कार्य चल रहा है तो विघ्न बाधाएं भी आ सकती है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, इस समय फाइनेंस संबंधित तथा विशेष संबंधित कोई भी लिया गया निर्णय सकारात्मक रहेगा। काफ़ी समय से प्रतीक्षित शुभ सूचना भी मिलने से मन में सुकून और राहत रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें। इस समय वर्तमान वातावरण की वजह से नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी न होने दें। किसी भी प्रकार का रिस्क लेना अभी आपको नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए आप इस समय रिस्क वाले कार्यों से दूरी बनाकर रखें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय कोई अटका हुआ कार्य आज आपका बन सकता है।
युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर प्लानिंग करें। पिछले कुछ समय से चली आ रही उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मनोकूल गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यह समय रुपये पैसे का हिसाब किताब करते समय लापरवाही ना करें। कोई पुराना विवाद उठने से स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। उत्तेजित होने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही चलती रहेंगी। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अपने निर्णय पर ही अमल करें और पब्लिक लीडिंग और संपर्क सूत्रों का मजबूत करने में भी समय लगाएं। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके व्यवसायिक कार्य प्रणाली में सुधार होगा और आपके लिए फैसले सही साबित होंगे। सरकारी मामलों में रुकावटें रहेंगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए नई संभावनाएं बनती रहेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर के लिए जो समय होंगे, यह समय बिजनेस में भविष्य संबंधित गतिविधियों की योजनाएं बनेगी, लेकिन सावधान रहने की भी जरूरत रहेगी। जोखिम भरे कार्यों में पैसा अभी आप ना लगाएं, नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। नौकरी पेशा लोग अपने लक्ष्य को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में सक्षम रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। घर में कुछ धार्मिक कार्य क्रियाकलाप भी होने से सकारात्मक वातावरण रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय अविवाहित संबंधों में कुछ नोक झोंक रह सकती है। हालांकि आपकी सूझबूझ और साझेदारी द्वारा परिस्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। कुछ समय योगा ध्यान आदि पर जरूर लगाएं तथा काम का बोझ अपने ऊपर ना डालें। काम के साथ साथ आराम करना अभी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है नीला कलर, भाग्यशाली अंक है 3। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।